स्वती श्रुति महती मान्यताम। आज का यानी मौका पे हमारे बीच विराजिया जिनके मैं अभिनव कबीर का रूप में बोलू हूँ, ने पद्मश्री तो कहीं भी भारत भूषण में चाहूँ कि कर्तव्य धन्य से सम्मान करो हम सबका वर्णनीय श्री प्रहलाद सिंह जी टिपाणिया को। अभी हम सुनी रहा था हमारी विदुषी जी जी अनुराधा शंकर जी के, बहुत सारा सुधी जन बैठा हुआ है, पूरा परिवार का सगला जन बैठा हुआ है। मैं इन्हीं मौका पे आप सभी को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करूं वो इन्हीं दृष्टि से कि जिनका बीच में कबीर के होनो चाहिए आज कबीर उन्हा के बीच में है। उनके हम कितना भी अकादमिक दृष्टि से कितना भी सरस्वत दृष्टि से विवेचना करा लेकिन कबीर के आनंद तो लोक में ही जाए, आम आदमी के बीच में ही रमे वो, और रमता रमता फिर आम के भी रमई ले ने आम जन के भी रमई ले, यानी ऐसा कोई और छोर नहीं है धरती को जिनके वो रमई नहीं ले। तो मुझे ऐसा लगता है कि संपूर्ण विश्व सभ्यता में कबीर की कोटि का कोई रचनाकार नहीं है, कबीर की कोटि का कोई संत नहीं है, और इस संपूर्ण सभ्यता को उन्होंने न केवल प्रेम पंथ पर चलाने की चेष्टा की, उन्होंने राम पंथ पर चलाने की भी चेष्टा की, और राम का पंथ किसी भी देश काल सभ्यता समुदाय के लिए नहीं है, वह सार्वकालिक है सार्वभौमिक है। और इस दृष्टि से जिस तरह से हम लोग तुलसी या अन्य रचनाकारों की बात करते हैं कि वह राममय है, कबीर से बड़ा राममय कौन होगा। अपने संपूर्ण वाणी में 745 से अधिक बार उन्होंने राम का उल्लेख किया है। आप सोचिए कि वो राममय नहीं है तो कहीं है। तो अपना संपूर्ण जीवन और उसके अंदर भी प्रेम पुमर्थो महान, जब ये उद्घोष हुआ भारतीय सभ्यता और संस्कृति का एक तरह से पुनर्जागरण हुआ, और उस पुनर्जागरण का सुपरिणाम ये हुआ कि अनेकानेक संतों ने भक्तों ने उस पूरी की पूरी धारा को न केवल उसका आनंद लिया वरन संपूर्ण समाज को उसमें आप्लावित किया। और उसी धारा में जब रामानंद जी आते हैं तो कहा गया कि रामानंद स्वयं राम प्रादुर्भूतो महितले, इस संसार में जैसे राम थे ऐसे उनके अवतार रामानंद जी आए, और जैसा सेतु राम ने बनाया था उस माया ममता मोह से भरी हुई उस लंका का दहन करने के लिए उसे समाप्त करने के लिए, ऐसा ही एक सेतु रामानंद जी ने बनाया संसार के अलग अलग क्षेत्रों समुदायों के लोगों को जोड़ने के लिए। और तीसरा सेतु मुझे लगता है कि कबीरदास जी ने बनाया, उन्होंने सारे संसार को समन्वय की दिशा में न केवल सचेष्ट किया वरन उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों समुदायों के लोग को जोड़ दिया। आज स्थिति यह है कि दक्षिण एशिया की संकल्पना बिना कबीर के नहीं हो सकती, और यही नहीं वरन उधर आप चले जाएं मक्का मदीना से लेकर के इधर सुदूर दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों तक चले जाएं, कबीर जो है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में गहरा प्रभाव डालते हुए हमें दिखाई देते। राम का जो पूरा का पूरा चरित्र है वो उससे अवगत है, उनको पता है कि राम क्या है, और वो जो राम की महिमा है उसको जब वे अपने शब्दों में अपने क्षेत्र में जब लाते हैं तो सगुण और निर्गुण दोनों रूपों को वो सामंजस्य के साथ प्रस्तुत करने की चेष्टा करते हैं। इसलिए उनके लिए राम एक गहरी आत्मीयता का भाव है, उन्होंने राम के साथ तमाम प्रकार के रिश्ते बनाए, कभी वो राम के समक्ष स्त्री रूप में दिखाई देते हैं, कभी राम के समक्ष वे दास रूप में दिखाई देते हैं, कभी राम के समक्ष वे सखा रूप में भी नजर आते हैं, अहम पूरा पूरा स्वाभिमान भी है उनके अंदर। और इसीलिए राम की जितनी विविध रूपा अभिव्यक्तियां कबीर के यहाँ पर हुई है मुझे नहीं लगता कि किसी और राम मार्गी रचनाकार के यहाँ पर हुई हो। और फिर राम केवल यही नहीं है, राम जो है वो संपूर्ण सत्ता के केंद्र में भी है, और इसीलिए सगुण और निर्गुण से परे जो परात्पर ब्रह्म रूप है वो राम भी है। दुल्हिन गावो मंगल चार, दुल्हिन गावो मंगल चार, हम घर आए हो राजा राम भरता, तो तात्पर्य है कि
कि जब एक बार राम तत्व हमारे जीवन में आ जाता है उसके बाद फिर कुछ नहीं बचता। और व्यक्ति रमन्ते इति रामः, इस रूप में जब हम बात करते हैं राम की, राम वो है जो सबको रमन करा दे, सबको आनंद से युक्त कर दे, जो कण कण में रमता हो वह राम है। और कबीर के राम की यह विशेषता है कि वह आत्मीयता के साथ पूरे गहरे मानवीय रिश्तों के साथ भी हमारे जीवन में उतरता है और कण कण में भी रमता है और हमको कण कण में रमाता भी है। अतः कबीर के राम को देखना एक तरह से संपूर्ण सृष्टि के केंद्र में अवस्थित उस परात्पर ब्रह्म को देखना है। उनके राम सत्य भी हैं, उनके राम ज्ञान रूप भी हैं और उनके राम अनंत रूप भी हैं। अतः सत्य ज्ञान और अनंत जिस तरह से राम है, कबीर की वाणी भी सत्य ज्ञान और अनंत वाणी है। उसके बाहर हमें कुछ भी नहीं नजर आता और इसीलिए वह संकेत देते हैं कि घटघट राम बसत हैं भाई, घटघट राम बसत हैं भाई, बिना ज्ञान नहीं देत दिखाई। जो ज्ञानी होगा उसको दिखाई देगा और जो ज्ञानी नहीं है वो भेद में पड़ा रहेगा। इसीलिए पंडित वाद बदलते झूठे, इसीलिए उन्होंने जब देखा कि तमाम प्रकार के वाद हैं, तमाम प्रकार के संवाद की स्थिति नहीं बनाने वाले विवाद हैं, उसके बीच में सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता है। संत का परंपरा के जो नाभादास जी हैं, उन्होंने इतना अद्भुत वर्णन कबीर के बारे में किया है कि पूरी परंपरा में हमें इस तरह से नहीं दिखाई देता। अतः मुझे लगता है कि लोक के लिए भी भूमि कबीर के नाम में है और शास्त्र के लिए भी भरपूर भूमि कबीर के नाम में है। दोनों के बीच में सामंजस्य बैठाने की चेष्टा वे करते हैं। आत्म ज्ञान जाहि घट होई, आत्म राम को चीने सोई। जो एक बार उस आत्म ज्ञान से युक्त हो जाता है तो घट में अवस्थित राम को पा लेता है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माए। अब आप देखिए कि कुंडली के अंदर ही तो कस्तूरी है, पर मृग जो है इधर से उधर भटकता रहता है। वही इसे वैसी स्थिति है कि ऐसे घट घट राम है दुनिया खोजत नहीं। अतः कबीर संकेत देते हैं कि उपासकों भक्तों संतों का कोई खेमा नहीं होता, कोई शिविर नहीं होता। ये तो शिविरबद्धता बाद में लोगों ने बना ली, अन्यथा कबीर तो अखंड है, अविच्छेद्य है और उनके बारे में हम जितनी बात करें, जितना हम विमर्श करें उतना कम होता है। राम का मंदिर साधु भाई, तन राम का मंदिर, अब उसमें सब कुछ समाहित हो जाता है। और संकेत ये निकल कर आता है कि अरे बैठे हैं ठाकुर मंदिर में, ध्यान धरो अपने अंदर, आप इधर उधर क्यों भटकते हो। और जो व्यक्ति काया के रूप में ही राम का मंदिर बनाने के लिए हम सबको सन्नद्ध करता है, फिर बाहर की जो पूजाएं हैं, बाहर की जो पद्धतियां हैं वो विभ्रम में डालती हैं, और उसके बीच से हमें राम पंथ पर जाना होगा, कबीर पंथ पर जाना होगा। कबीर का जो बीजक है वो एक तरह से वेदवाणी है, लोक की वेदवाणी है। एक वेदवाणी वह है जो आर्ष ऋषियों के द्वारा इस धरती पर उतरी थी, और एक कबीर के द्वारा साक्षात वेदवाणी के रूप में भी कोई ग्रंथ है तो बीजक है। और बीजक के माध्यम से यदि हम राम की संपूर्ण मीमांसा करें तो वह संकेत देता है कि बीजक वित्त बतावई, जो वित्त गुप्ता होई, जो वित्त धन गुप्त हो उसको दिखाने के लिए बहुत मुश्किल होती है। वो कैसे पता चले, शब्द बतावे जीव को बूझे बेला होई। तो उसको प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर सचेष्ट रहने की आवश्यकता है। और बीजक के माध्यम से राम के संदर्भ से जुड़े हुए अनेकानेक महत्वपूर्ण तत्व हमारे बीच में आते हैं। यहाँ मैं अंत में कहना चाहूंगा कि क्या दशरथ नंदन राम ही केवल कबीर के राम है, वो तो है ही, लेकिन वो अपनी ओर से उसकी मर्यादा को भी संकेतित कर देते हैं, तमाम प्रकार के अवतारों की मर्यादा को भी संकेतित कर देते हैं। वो कहते हैं ना दशरथ घरी अवतरी आवा, ना लंका का राव सतावा। ना दशरथ घरी अवतरी आवा, ना लंका का राव जला सतावा, देवे कोखिन अवतरी आवा, ना जसवे के गोद खिलावा। यानी वो यशोदा की गोद में भी नहीं है, वो देवकी के यहाँ पर भी नहीं है। बावन होई नहीं बलि छलिया, धरनी वेद ने न उहरिया, गंडक सालिक राम न कोला, मच्छ कच्छ होई जल ही न डोला।
तो तात्पर्य है कि वो इन सारे अवतार की अवधारणा से अवगत हैं, वैष्णवी आस्था के साथ वे जुड़ते हैं, लेकिन उनको पता है कि इनकी भी अपनी मर्यादा है। इससे आगे अगर हम संसार को नहीं ले जाएंगे तो वहीं रुक करके रह जाएंगे। इसीलिए अंत में कहूंगा कि पानी होते पात्रा, पानी होते पात्रा, धुआं होते झीन, पवना बेगी उतावला, सो दोस्त कबीरा चीन। तो कबीर जी के दोस्त हैं, सखा है राम, और यदि राम को सखा बना लिया तो ये जीवन धन्य हो जाएगा। आप सभी ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे अच्छा अगली कड़ी में बीके शर्मा जी का, बीके वर्मा जी का स्वागत फिर टिपानिया जी करेंगे। यहाँ पर इसीलिए हमने कहा माइक को बोलिए, या जो कर देगा उसको सदस्य बना दे।